सो मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है मॉनसून के शुरू होती कई सारी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं जिनमें से एक है डेंगू लेकिन क्या डेंगू का रिलेशन न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से है अगर है तो कैसे सो so, डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर uh, विप्लव दास जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं वेलकम डॉक्टर टू द हेल्थ साइट थैंक यू सो डॉक्टर क्या आप बता सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन डेंगू फीवर से कैसे रिलेट कर पाता है देखिए शुरू हो गया आपने बताया है सो वन ऑफ द काफ़ी कॉमन जो होता है बुखार होना बुखार के बाद बाकी सारा मैनिफेस्टेशन आना और उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन होना है ना सर जो बुखार किसी व्यक्ति को इस मानसून सीजन में होता है तो डेंगू के बारे में ज़रूर इवेलुएट करना चाहिए और उसके हिसाब से देखना चाहिए डेंगू काफ़ी कॉमन होता है इस मानसून सीजन में डेंगू का जो मैनिफेस्टेशन होता है जो उसका लक्षण होता है सिंपल बुखार हो सकता है शरीर में दर्द होना और टिपिकली इसीलिए मेडिकल टर्म में बोलते है ब्रैक बोन फीवर काफी ज़्यादा शरीर में दर्द होना जॉइंट्स में पेन होना ये सारा मैनिफेस्टेशन होता है उसका हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब लक्षण देखें तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कि कोई कोई व्यक्ति होता है डेंगू इन का इन्फेक्शन है लेकिन बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता है hmm. जिसको काम मेडिकल टर्म में बोलते हैं सब क्लिनिकल इफेक्शन या ए सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन मतलब अंदर में मुझे इन्फेक्शन हुआ और मुझे पता नहीं चला खुद ब खुद ठीक हो गया राइट सो दैट इज अप्रोक्सिमेटली काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होता है टू फिफ्टी परसेंट पेशेंट जिनको कि हमें बाहर से पता ही नहीं चलता कि डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है सो इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कि सभी समय में <coughs> पैनिक होना जरूरी है तो ये पता कैसे चलता है फिर सपने के लिए इन्फेक्शन एक हमारे कम्युनिटी में चलते रहते हैं राइट mm -hmm. right? उसमें पता तभी चलेंगे जबकि हम उसके बारे में टेस्ट करेंगे देन आदर है कि जो सिमटोमेटिक है मतलब प्रेजेंटेशन हुआ तो उसमें मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ये होता है कि व्यक्ति को बुखार होना शरीर में जॉइंट्स में पेन होना सर में दर्द होना वॉमिटिंग होना पेट में दर्द हो जाना ये कॉमन प्रेजेंटेशन है सो so, डेंगी का प्रेजेंटेशन मानेंगे तो हम तीन प्रकार से प्रेजेंटेशन को डिवाइड किया गया है वर्ल्ड स्टोक ऑर्गेनाइजेशन से हम देखेंगे तो एक तो माइल्ड डेंगी फ़ीवर हो गया ऐसे है ना सो so, डेंगी फीवर हो गया और एक डेंगी हेमरिजिक फीवर बोलते हैं और एक डेंगी शॉक सिंड्रोम है जो कि काफ़ी सीवियर फॉर्म है ओके है ना ये तीन प्रकार का मैनिफेस्टेशन हो सकता है <coughs> जेहतु तो आपने पूछा है बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट फॉर्मी किसी व्यक्ति को डेंगी होता है इन्फेक्शन सो सीएनएस मैनिफेस्टेशन या नर्वस सिस्टम कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, है। कुल मिला के हम देखें तो ये डाटा ये आंकड़ा जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है बट किसी व्यक्ति में टेन टू ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट अप टू फोर्टी परसेंट तक भी व्यक्ति को देखा गया कि न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है तो डेंगी के कारण एन्जाइटी और ऐसा डिप्रेशन और ऐसा मेंटल हेल्थ पे कुछ इशू बढ़ता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डेंगी के वजह से डायरेक्टली साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन या मेंटल हेल्थ पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं बोलूंगा मैं उसके पहले ज़्यादा कॉमन मैनिफेस्टेशन ज़्यादा होता है जैसे कि मैंने बताया ना सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगी होता है तो उस व्यक्ति को बाकी सारा ऑर्गेन में इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है उसका मैनिफेस्टेशन बेहोशी जैसा हो सकता है मेडिकल टर्म में हम एनसेपलोपैथी बोलते हैं एंसपलोपैथी का कारण डेंगी का जो इन्फेक्शन है वो उसी इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है वायरोलन फॉर्म के वजह से हो सकता है या डेंगी बॉडी में एक प्रकार का इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मतलब हमारे बॉडी एंटीबॉडी जो है जो इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट फाइट करता है बट समहाउ दैट एक ऑटो एंटीबॉडी जैसा बन के कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हमारे नर्वस सिस्टम में जाके डिपोजिट होता है या उसमें इम्पैक्ट करता है उसी की वजह से एक मैनिफेस्टेशन होता है mm -hmm. तो बेहोशी जैसा हो सकता है दौरे पड़ सकता है दौरे के साथ साथ उनको एनसेफेलाइटिस बोलते हैं मतलब ब्रेन में ब्रेन के अंदर में जाके इन्फेक्शन हो गया वो बोल सकता है या हाथ में पैरों में कमज़ोरी आ जाना पैरालिसिस का लकवा वाला जो है ना लकवा हो सकता है या किसी को न्यूरोपैथी नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह का काफी मैनिफेस्टेशंस होते कोई हैं कोई बिहेवियरल इश्यूज भी आते हैं बिहेवियरल इश्यूज डेफिनेटली हो सकता है जैसे एनकेफ्लाइटिस होता है एनकेफ्लाइटिस में स्पेशली टेंपोरल लोग हमारे जो ब्रेन के टेंपोरल लोब को इन्वॉल्व करेगा तो पर्सनलिटी चेंजेस हो सकता है पकड़ लीजिए किसी को बुखार हुआ चार पाँच दिन पहले बुखार था हाई ग्रेड बुखार था शरीर था और आपके पास आएंगे कि डॉक्टर साहब ये तो पूरा चार पाँच दिन पहले पूरा ठीक थे अभी तो उनके बिहेवियर में काफी चेंज हो गया है उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है दौरे पड़ना शुरू किया है, बहुत चिल्लाते हैं या हमारे खुद ब खुद बात करते रहते हैं तो इस तरह का एक्यूट साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन जो आपने बताया है ये मैनिफेस्टेशन हो सकता है है ना सो so उसमें हम अदर देन डेंगू और हमें ये बोलते हैं कि एच एस बी एनकेफ्लाइटिस तो नहीं हुआ या ऑटो एमोन एनकेफ्लाइटिस बोलते हैं वो सारा चीज़ हम देखते हैं और डेंगू कैन भी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जैसे आपने हाईलाइट किया है जो डेंगू के मरीज होते हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल इशूज क्या देखने को आपको मेजरली मिलते हैं राइट सो डेंगू पेशेंट्स काफ़ी कॉमन होते स्पेशली दैट दिस सीजन्स जो रेनी सीजन्स होते हैं उस समय मैनिफेस्टेशन में जैसे कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है थी कि बेहोशी हो जाना दौरे पड़ना उल्टा सीधा बात करना ये सारा होता है और उसका कारण जैसे मैंने पहले भी बताया कि कारण में से एक है कि जो डेंगू की वजह से आपको शरीर में सभी ऑर्गेन इन्वॉल्व हो सकता है और जैसे नर्वस सिस्टम का जो एक्सिस है उसमें भी इन्वॉल्व होता है पकड़ लीजिए डेंगू की वजह से लीवर में इन्वॉल्व हुआ या शरीर में कहीं पे उनको किडनी के ऊपर असर आ गया है या उनका बीपी कम हो गया है तो उसके वजह से लीवर के वजह से लीवर के जो एंजाइम्स बढ़ जाता है या लीवर प्रॉपरली काम नहीं करता है या शरीर में आपको इन्फेक्शन का मात्रा बढ़ जाता है तो सेप्सिस के वजह से ही ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको बेहोशी हो जाना इस तरह का मैनिफेस्टेशन हो सकता है साथ ही साथ आपको जिस दौरे पड़ने वाला ये ये महसूस हो सकता है या और एक बहुत ही सीवियर फॉर्म है जिसमें कि पूरा पैरालिसिस जैसे अटैक होता है जिसको बोलते हैं गुलनबरी सिंड्रोम उसमें क्या होगा ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव हाथों में कमजोरी आ जाएगा हाथ पैरों में हाथों में कमजोरी आके आगे पूरा ये प्रोग्रेशन होगा तो सांस भी लेने में मुश्किल हो सकता है सो दिस इज कॉल्ड गुलनबाड़ी सिंड्रोम जी बी एस या ट्रांसवर्स माइलिटिस ट्रांसवर्स माइलिटिस मतलब आपके जो पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी के पीछे जो मेन नर्व्ज कनेक्शंस होता है ब्रेन के साथ उसी में सूजन आने की वजह से व्यक्ति हाथ पैर हिला नहीं सकते हैं है ना पेशाब रुक जाता है कुछ नहीं कर सकते तो ये medical, एक प्रकार का मेडिकल एक न्यूरोलॉजिकल यू नो इमरजेंसी कंडीशन होता है

वो एक ओनली मतलब एक यही चीज़ नहीं है कि जो मतलब ख़तरनाक वाला चीज़ है रेटलेट काउंट कम हो जाता है वो रिकवर ही हो जाता है उससे ज़्यादा ज़्यादा डेंजर वाला साइंस भी होते हैं उसको जानना जरूरी है तो शहरी में आपको कहीं पे भी रेड स्पॉट्स मुंह में कहीं पे रेड स्पॉट्स आ रहे हैं ब्लीडिंग हो रहा है नाक से मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है या किसी को जो मैंस्ट्रोल साइकिल है जो आपका पीरियड्स हो रहा है पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या व्यक्ति जैसे मैंने पहले भी होता बेहोशी हो गया है दौरे पर गया है या उनको जॉन्डिस हो गया है या उनका बी जो है शरीर का घर में बी आप जैसे चेक किया तो बी देखा कि काफी कम हो गया है ये सारा वार्निंग साइन है काफी वॉमिटिंग हो रहा है सो ये सारा वार्निंग साइन है इसको इग्नोर ना करें सांस फूल रहा है इग्नोर ना करें क्योंकि जो डेंगू सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगू होता है डेंगू में हमारा शरीर में जो कैविटी होता है जैसे पकड़ लीजिए लांग्स की चारों तरफ कैविटी होता है हार्ट के चारों तरफ एक कैविटी होता है हमारे पेट के अंदर एक कैविटी होता है तो कैविटी में जो सेरोसाइटिस के वजह से फ्लूइड कलेक्शन होना शुरू हो जाता है जो हमारे जो आ, जो ब्लड वेसल्स जो होता है जो खून बहने वाली रास्ता है उसमें लीक हो जाता है और उसी के वजह से वो पानी जो है ना रक्त के जो पानी है जो ब्लड के जो पानी फ्लूइड वाला पार्ट है वो बाहर आ जाता है उस कलेक्शन हो जाते हैं तो किसी को पेट में पानी जमा हो गया किसी को छाती में पानी जमा हो गया तो उसका लक्षण आएगा कि सांस फूल रहा है पेट फूल रहा है पेशाब अच्छा से नहीं आ रहा है पेशाब के साथ खून आ रहा है नाक से खून आ रहा है खांसी के साथ खून आ रहा है ये सारे जो लक्षण हैं आपके वार्निंग साइन हैं इस साइन को ये रेड फ्लैग साइन है इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे न्यूरोलॉजिकल देखिए न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन का प्रिवेंटिव मैनेजमेंट विल बी सेम एज की आपको डेंगू ना हो सो एज यूजुअल जो हम बोलते हैं ना कि मस्किटो बाइट नो सो uh, so, वो फीमेल मॉस्क्यूटो का जो बाइट होने उसी के वजह से ट्रांसमिशन होता, होता है नंबर वन सो so, एक तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करे आपके घर के आगे पीछे कहीं पे भी आपको स्टेगनेट वाटर जहाँ पे हो जो ये ब्रीडिंग एरिया है वो मॉस्किटो वाला वो उसको प्रिवेंशन करना चाहिए मॉस्कीटो ब्रीडिंग एरिया नहीं होना चाहिए आपके कूलर्स का उसका पानी का ध्यान रखना चाहिए जहां पे एक्सपोज एरिया आए है तो मॉस्किटो नेट यूज करना चाहिए या आपने मॉस्कीटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं जिसमें कि बाइट ना हो तो सब फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इजो का बाइट कम हो नंबर नंबर टू किसी व्यक्ति को बुखार आता है और बुखार के जो वार्निंग साइंस मैंने बताया है इस तरह का वार्निंग साइन मिलते हैं तो आप आपके डॉक्टर साहब को जरूर सलाह कीजिए क्योंकि आपके जो हाइड्रेशन hmm. जो क्योंकि एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि डेंगू का कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है कि ये दवाई दे दिया है भाई ठीक हो जाएंगे पूरा हंड्रेड डेंगू का जो ट्रीटमेंट है डेंगू इन्फेक्शन में जो ट्रीटमेंट है सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट मतलब आपको इम्यूनिटी को इंप्रूव कराएगा जो सपोर्टिव जिसको भी जो जो प्रॉब्लम हो रहा है जैसे फ्लूड कलेक्शन, लक्ष्य फ्लुइड शेड में आ गया है तो उसको कम करने के लिए शॉक ना हो बीपी कम ना ना जा, जाए उसको फ्लूड देना है तो इस तरह का सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है तो आप वार्निंग साइन को अच्छा से जाने इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको डॉक्टर साहब के सलाह लेना जरूरी है किसी किसी जगह पे आपको जैसे ब्लड ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ता है जैसे आपका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है मतलब यूजुअली ऐसा नहीं कि बीस हज़ार या पचास साठ हज़ार हो गया एक लाख हो गया भाई बहुत ज़्यादा कम हो गया ऐसा नहीं है हम लोग किसी व्यक्ति को प्लेटलेट का काउंट दस से कम नहीं हुआ तो इंडिकेशन नहीं बनता है लेकिन उनको दस से ऊपर है और ब्लीडिंग का मैनिफेस्टेशन हो रहा है तभी भी हम प्लेटलेट या ब्लड चढ़ाते हैं क्योंकि ज्यादातर जब डेंगू का पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहला उनको ये होता है कि सर देखिए मुझे बुखार हो गया और मेरा प्लेटलेट काउंट तो मेरा एक लाख हो गया अस्सी हजार हो गए तो हमारे समाज, चेश में, चेश exactly, समाज में एग्जैक्टली समाज में वही विश्वास है कि ये प्लेटलेट जो है उसको चेज किया जाए बट और प्लेटलेट इज नॉट ओनली एक फैक्टर है प्लेटलेट तो वन ऑफ द थिंग है ना प्लेटलेट में बाकी सारा चीज़ देखना बहुत जरूरी है जो हमें आम आदमी में या कम्युनिटी में पता नहीं होता है प्लेटलेट इज वन ऑफ द फैक्टर वो काफ़ी कम हो जाता है तो तो उसमें हम हॉस्पिटल में उसको ट्रांसप्रोशन किया जाता है और इसीलिए हॉस्पिटल में रहना की जरूरत है किसी व्यक्ति को बुखार होते हैं या आपको भी मुझे भी होता है तो बुखार होता है भाई रुक जाओ एक दो दिन घर हाँ, में हाँ। दवाई ले लेते ले हैं ले फिर देखते हैं मैं दो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा एक तो इस सीजन में स्पेशली जिस समय डेंगू ज्यादा होता है उस समय किसी व्यक्ति को बुखार हाई ग्रेड बुखार आता है शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बहुत बुखार हो रहा है आप जरूर घर में पैरासिटामोल ले सकते हैं पैरासिटामोल लीजिए एस्पिरिन कभी भी मत लीजिएगा एस्पिरिन जो है उसके वजह से एक तो है वो ब्लड थिनर है आपको बुखार कम कर सकता है उससे लेकिन वो एक ब्लड थिनर है उसके वजह से साइड इफेक्ट या शरीर में ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है उसके वजह से लीवर के ऊपर असर पड़ सकता है तो एस्पिरिन डिस्प्रिन ये सारा कभी भी मत लीजिएगा सिंपल पैरासिटामोल आप ले सकते हैं आप एक दो दिन के लिए जरूर दे सक देख सकते हैं घर में जिसमें कि इस तरह का जो हाई ग्रेड फीवर आपको दूसरे वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है जो सेल्फ लिमिटिंग है मतलब आप दवाई ले लिया उसके बाद शरीर में अच्छा से आप घर में रेस्ट कर लिया हाइड्रेशन अच्छा ले लिया पानी अच्छा से ले लिया जूस ले लिया तो उससे रिकवरी होता है दैट वो आप घर में ट्राई कर सकता है बट मैं एक जरूर बताऊंगा इसमें प्रिकॉशंस ये है कि आपको बुखार के साथ साथ आपको उल्टी बहुत ज्यादा हो रहा है बेहोशी जैसा हो गया है हाथ पैरों में झंझनापन सुनपन हो गया है या कमजोरी आ गया है इस तरह का कोई लक्षण हो या दौरे पड़ गया है इस तरह का कोई लक्षण हो इस समय कभी भी घर में रहना नहीं चाहिए तो आपके जो नियर बाय जो डॉक्टर साहब हैं जिसके साथ आप फैमिली डॉक्टर हैं आप जिनको भी दिखाते हैं उनके पास जाइए दिखाइए उसके इलाज करना जरूरी है क्योंकि कुछ कुछ ट्रीटमेंट हम आर्ली जल्दी से शुरू करेंगे तो रिकवरी का चांसेस काफी बेटर होता है थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप डॉक्टर की बताई हुई बातें आप जरूर फॉलो करेंगे और कमेंट करके प्लीज बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें दाई डॉट कॉम